हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे लौकी यानी दूधी की सूखी सब्जी बनाना। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे, उसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, थोड़ा सा हींग पाउडर डालेंगे और फिर इसके बाद इसे अच्छे से ब्राउन होने देंगे। देखिए हमारा जीरा ब्राउन हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे। हाँ दोस्तों, हमने कहा है सूखी सब्जी और हम इसमें पानी डाल देंगे। दोस्तों अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार। वैसे अगर आप सूखी सब्जी बना रहे हैं तो 1 से 1.25 चम्मच मिर्ची बहुत होती है। धनिया पाउडर हमेशा हम सूखी सब्जी में ज़्यादा डालते हैं, इसे हम 2 चम्मच डालेंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर और नमक। हर बार की तरह हम आपको बताते हैं नमक हमें कितना डालना है। जितनी हम मिर्ची डालते हैं सेम बराबर 1 से 1.5 चम्मच हमने इसमें नमक डाल दिया। बस अब हमें क्या करना है, हमारे मसाले को अच्छे से हिलाना है और इस मसाले को 2 मिनट के लिए पकने देना है। तो हम इसे 2 मिनट पकने देते हैं, फिर हम इसमें डालेंगे लौकी यानी दूधी के गट्टे। ठीक फ्रेंड्स, हम इसमें अब डाल देंगे हमारे दूधी के टुकड़े। ये हमने इसमें कटी हुई दूधी डाल दी है और इसे अच्छे से एक बार हिला देंगे। ये देखते हैं हमारी सब्जी अच्छे से तैयार हो गई। अब इसे क्या करेंगे, हम इसे कुकर को बंद कर देंगे और 3 सीटी लगने तक पकने देंगे। देखिए दोस्तों, 3 सीटी के बाद हमारी लौकी की दूधी की सूखी सब्जी बनके तैयार है। इसे आप सर्व कीजिए, खाइए, खिलाइए। इतनी डिलीशियस सब्जी जो आपको शादी पार्टियों की याद दिला दे। बढ़ाई लीजिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।